कांडा की ग्राम चंतोला निवासी एक ग्रामीण आवास, पेंशन तथा राशन के लिए जूझ रहा है। परेशानी से जूझ रहे ग्रामीण शंकर दत्त उपाध्याय ने बताया कि कई बार मांग करने के उपरांत भी उन्हें न तो मकान मिल सका है और न ही वृद्धावस्था पेंशन मिल पा रही है। ऐसे में उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। इधर क्षेत्र के पैरालीगल वॉलंटियर्स पंकज डसीला ने परिवार को घर जाकर राशन मुहैया कराया है। परेशान ग्रामीण ने प्रशासन से मकान व राशन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की है। ये आपको 2017 में 60 साल पूरे हो गए हैं जी, तो आपकी पेंशन अभी तक नहीं लगी आपने? वो ऐसा है, मैंने पहले ग्राम सभा राजू को भी करीब 15-20 फोटो दी। हाँ, किस सन में दिए होंगे सर? जिस समय मांगे उन्होंने, जिसमें लाओग उसमें ही देने। अच्छा, इससे पहले जो प्रधान हुआ करते थे, पहले ये शंकर राम था जिसमें उसने भी मांगे। अच्छा, उसने भी मांगे, उसको भी फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रू कॉपी, परिवार रजिस्टर सब उसको भी दिए, पहचान पत्र। अच्छा, तो अभी तक आपको आप अपने परिवार में अकेले हो? हाँ साहब, सन 2015 में माता जी की डेथ हो गई थी, तब से फिर अकेला ही ठहरा। अच्छा, इतने सुदूर में कोई, जो मकान आपका टूटने को हो रखा है, ऐसे रहते कैसे हैं आप यहाँ पे? कोई प्रशासन से कोई बंदा आया देखने के लिए, कोई प्रशासनिक लोग आए कभी? आप बता रहे थे जैसे कि तहसीलदार साहब आए, कब आए थे? तहसीलदार साहब आए करीब 15 में ही आए थे वो। अच्छा अच्छा, 2017 के आसपास। अच्छा, तो बता के गए थे कुछ करेंगे मकान के लिए करके? हाँ, हम बताइए, हम जहाँ तक होगा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो कोशिश हुई कुछ उस समय थी? और कोशिश क्या हुई, और कोई कोशिश तो नहीं हुई। अच्छा, लेटिंग घर कि मैं जियो मिली 10 बार जारी किया। वो अलग चीज़ है, आपके मकान का देखो, मकान टूटने को आ रखा है, मकान के लिए कभी कोई मदद नहीं मिली आपको, पैसा नहीं मिला कभी मकान रिपेयर करने के लिए भी? रिपेयर करने के लिए एक बार मिली, 65 हजार रुपया दिया, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह बिष्ट जी थे। अच्छा, कांडा में? कांडा में। अच्छा, कितना पैसा मिला था? 70,000 मिल जाता का, और उन्होंने फिर 65,000 भाई दिलाए। हाँ, आपको नकद कितना आपके हाथ में पैसा आया? उन्होंने मेरे को 65,000 रुपया दिए, उसमें से भी इन्होंने काटे। किन्होंने काटे, कौन थे काटने वाले? सभापति ने काटे। कौन सभापति ने काटे? शंकर राम था। हाँ, कितने आपको उसके बाद किसने पैसा लिया आपसे? इसने 10-15,000 रुपया काटा। अच्छा, इसने काटा आपके तत्कालीन ग्राम प्रधान ने? आप बता रहे थे पटवारी जी वगैरह वगैरह इन लोगों ने? इन्हें कहा पटवारी, इतना पटवारी को दूंगा, इतना इसको दूंगा, इतना इसको दूंगा। अच्छा, तो आपदा के मद में इतनी लूटमार आपकी मची ठहरी है। आपको नकद कितना मिला उसके बाद, बचा हुआ पैसा कितना था जिससे आपने काम करवाया? उससे मेरे को कितना मिला? 45,000 रुपया मिला। 45,000 रुपया, 65 बता रहे, 65 में से 45,000 रुपया आपको मिला। कांडा से CCN न्यूज के लिए पंकज की रिपोर्ट।